हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है हमारा न्यू मेंबर फैमिली में, लेकिन जस्ट फॉर टू डेज, क्योंकि ये हमारा डॉग नहीं है। ये है हमारे रिलेटिव्स का डॉग है ओली, जो कि मैंने उनके घर डिलीवर करी थी। तो अभी इतनी बड़ी हो गई है और ये अभी हीट में है करंटली, और इसके हीट में है ये, और इसको आज ना बहुत दिन हो गए हीट में हो गए, ब्रीडिंग देख सकते हैं। ओली बैठ जाओ नीचे, ये भी ऊपर नहीं, आज हरे मुझे काट नहीं रही, अच्छी बात है। देखो ब्लीडिंग हो रही है हरे कपड़ों में। तो आज इसको 10th डे है, 10 दिन हो गया आज को हीट में आए हुए, और डिवॉर्मिंग इसकी 1-1.5 महीने पहले कर रखी थी। सो अभी ठीक टाइम पे हीट में है। कल 11 दिन होगा तो इसकी कल मीटिंग कराएंगे, और दूसरी भी मीटिंग जो होगी एक दिन छोड़कर, मतलब 12वें दिन को छोड़कर फिर 13वें दिन में कराएंगे। वैसे तो आप 9th डे में भी करा सकते हैं और 11th डे में, 2 डे में करा सकते हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन कराने से कन्फर्म हो जाएगा, तो देखो एक दिन में करा लो तब भी हो सकता है। कोई लोग 2 दिन भी कराते हैं एक दिन छोड़कर, फिर कोई लोग 3 बार भी कराते हैं, तो डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तो इसकी हम 2 बार कराने वाले हैं, एक कल 11th डे में, और उसके बाद एक फिर परसों छोड़कर उसके अगले दिन 13th डे में। मेटिंग के बाद ध्यान रखना कि डॉग ज़्यादा उछल कूद ना करें, ज़्यादा भागे दौड़े ना, और मतलब डॉग ऑब्वियसली काफ़ी एक्टिव होते हैं, फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना। ये देखो कितने एक्टिव है, अभी भी घूमने में, उछलने में, ये अपने ओनर, इनके ओनर अभी कहीं गए हैं तो उसको देखने में। तो ध्यान रहेगी, अरे क्या नाम है तेरा, ओली बैठ जा यार, मेरे ऊपर नहीं आना, बेबी बैठ जा। तो इसकी मीटिंग कराएंगे, और ध्यान रखें मीटिंग कराने के बाद डॉग ज़्यादा उछल कूद ना करें, और इसको सूखा खाना दे एक दो दिन बांध लो, ठीक है, एक दो दिन, उसे ज़्यादा नहीं, मीटिंग के 1-2 दिन बांध लो। नहीं, इसको 1-2 दिन बांधो, क्योंकि मीटिंग के 1-2 दिन थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, और उसके बाद भी संभाल के रखना, थोड़ा खुला रखना, पर ज़्यादा ध्यान रहे ज़्यादा डॉग उछल कूद ना करे, भागे दौड़े ना, क्योंकि इनकी मीटिंग हुई रहती है तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। और 10 दिन तक कोई भी ऐसा प्रोटीन वाला, मतलब मैं तो फ़िलहाल 1 हफ्ते तक 10 दिन तक नहीं देता था कोई भी अंडा चिकन वगैरह। सो उसके बाद भी आप कुछ देना है इसको, अगर आपकी फ़ीमेल डॉग या कोई भी डॉग हीट पे है, उसकी मीटिंग कराई है आपने, तो अंडा वगैरह कुछ भी नहीं देना, चिकन वगैरह 10 दिन तक एटलीस्ट, उसके बाद आप दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जेनी में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगा, पर मैंने उसको पापा ने उसको खिला दिया था 8 या 9 दिन में अंडा वगैरह चिकन वगैरह, फिर भी उसने बच्चे दिए थे, और उसके अच्छे खासे बच्चे हुए थे। तो बस ये था कि 1 हफ्ते तक खाना पीना नहीं मीटिंग के बाद, खाना पीना नहीं, मतलब चिकन वगैरह ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना नहीं 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद दे सकते हो आप, क्योंकि फिर धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो जाता है प्रोसेस, अगर कंसीव हो जाए तो। ओली आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, ये देखो कितनी एक्टिव है, इस तरीके से डॉग ना बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मीटिंग के बाद ध्यान रहे, क्या हो गया, हाँ क्या हुआ भारी, क्या हुआ, चलो बैठ जाओ। नो, मुझे डर लग रहा है कि इसको हाथ लगाने में, भाई क्योंकि एक तो अपना डॉग नहीं है, कहीं दांत दूध ना लगा दें एक्साइटमेंट में, या फिर अभी उदास है बेचारी। क्या हो गया है, क्या देख रहे हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है डॉग की, मस्त एकदम काफ़ी हेल्दी डॉग है बहुत ज़्यादा। तो बस ये था, हम कल मीटिंग कराएंगे, अगर मीटिंग की वीडियो बनी तो आई विल शो यू कि हम किस डॉग से मीटिंग कराने वाले हैं। बाकी दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओली बाय बाय कर दो, हमारे जेनी और लीजा दोनों दुकान में हैं, अभी इनको साथ खुला नहीं रखा है ना, वरना फिर वो लड़ने लग जाएंगे, जेनी तो बहुत खतरनाक है, काट कूट देगी, लड़ाई लड़ाई कर लेगी। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।